क्रोमियम आर यूज फॉर पार्शल टेंचर निकल क्रोमियम इज़ यूज इन क्राउन एंड ब्रिजेस एंड बाइंडिंग पोर्सलिन रेस्टोरेशन और पोर्सलिन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो निकल क्रोमियम यूज़ करते हैं अब वन बाय वन इन दोनों को देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ है क्या कॉम्पोजिशन है कोबल क्रोमियम अलाइज में जो कॉम्पोजिशन है वो कोबल्ट होता है मेन इन्ग्रीडियंट क्रोमियम होता है नो लेस दैन ट्वेंटी फाइव परसेंट मोलिडेनियम फोर परसेंट लेस दैन एंड कोबल्ट निकल और क्रोमियम तीनों को मिला कर मतलब पूरी जो इसकी वो होनी चाहिए वो एट्टी फाइव परसेंट से कम नहीं होना चाहिए जबकि जो एक टिपिकल मटेरियल होता है उसके अंदर हमारे पास थर्टी टू सिक्स टू सिक्सटी फाइव परसेंट कोबल्ट होता है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव क्रोमियम एंड जीरो टू थर्टी निकल आर प्रेजेंट लिटिल मोलिपडेनियम एंड ट्रेस क्वान्टिटीज़ ऑफ बैरीलीम सिलिकॉन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा मतलब जो हमारे पास क्रोमियम uh, अलवाज़ की पूरी कॉम्पोजिशन बता दी कोबल्ट और निकल दोनों जो है हमारे पास हार्ड मेटल्स होते हैं अब जो इसकी कॉम्पोजिशन में मतलब जो चीज़ें मौजूद हैं जो मेटल्स डिफरेंट मौजूद हैं वो उसकी फंक्शन देख लेते हैं क्रोमियम का क्या फंक्शन होता है यह हार्डन द अलॉए अलॉय को हार्ड कर देता है बाय सोल्यूशन हार्डनिंग प्रोसेस के नाम लिखा हुआ है इम्पार्ट क्रोजन क्रोजन को रिड्यूस कर देता है बाय पैसिवेटिंग इफेक्ट ये भी हमारे पास उसका नाम है दैन सिलिकॉन सिलिकॉन जो है हमारे पास कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करेगा और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है सही सिलिकॉन की वजह से कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ गुड होंगी और इंक्रीज़ कर देगा ये डक्टिलिटी को मेटल की मोलिबेनियम और बैरीलीम का क्या काम है ये रिफाइन ग्रीन स्ट्रक्चर मतलब ग्रीन स्ट्रक्चर को रिफ़ाइन कर देता है एंड इम्प्रूव कर देता है बिहेवियर ऑफ बेस मेटल अलॉयज़ ड्यूरिंग कास्टिंग और ड्यूरिंग कास्टिंग जो बेस मेटल अलॉयज़ का बिहेवियर होगा उसको भी इम्प्रूव करेगा मोलिबेनियम एंड बैरीलीम देन हमारे पास आता है कार्बन कार्बन का क्या मतलब चार फंक्शन है इसके सॉरी थ्री हार्डनेस को ये इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और अलॉय की डक्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है अच्छा अब यहाँ पर लिखे हुए दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर प्रेजेंस ऑफ टू मच कार्बन रिजल्ट इन बैटल ब्रिटिल अलय अगर किसी भी अलॉय के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन ऐड हो तो वो क्या हो जाएगा उसकी वजह से अलॉय जो है ब्रिटल हो जाएगा मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा टूट जाएगा क्यों क्योंकि कार्बन क्या करता है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो उसके ब्रिटिल होने का भी खतरा होता है तो इस वजह से जब भी हम अलॉय को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कार्बन उसके अंदर मच क्वान्टिटी में प्रजेंट ना हो जबकि एक फेस होता है कार्बाइड फेस ये फेस क्या कर देता है इसकी ब्रिटेनिस को रिड्यूस करेगा ये तो हमने पढ़ लिया है कोबल क्रोमियम अलॉयस का अब है निकल क्रोमियम अलॉयस निकल क्रोमियम अलॉयस की कॉम्पोजिशन भी निकल मेन कॉन्स्टिट्यूट है क्रोमियम नो लेस दैन ट्वेंटी परसेंट मेलबडोनीियम फोर परसेंट बैरीलीम टू परसेंट और तीनों मिला के नो लेस दैन एटी फाइव परसेंट अलावाइज फॉर फिक्सड रेस्टोरेशन मतलब फिक्सड रेस्टोरेशन के लिए हमें कौन से अलॉयस यूज़ करने चाहिए तो कोबल क्रोमियम निकल एंड मेलबडोनीियम तीन चारों हैं बेरिलियम और कैडमियम की जो लिमिट होती है लिमिट क्या है अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट मतलब कि वो कितना ज़्यादा इलास्टिक जो है उसके अंदर स्ट्रेच हो सकता है नहीं हो सकता तो वो है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट निगल की जो लिमिट है वो है ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट लेकिन बेरिलियम कैडमियम और निकल ये तीनों मेटल्स हमारे पास हैजर्डस हैं मतलब ख़तरनाक हैं जबकि जो निकल होता है वो एलर्जी कॉज करता है तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाते हैं तीनों हैजर्डस मेटल्स कहलाते हैं बेरिलियम कैडमियम एंड निकल फ्यूजन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बेस मेटल अलॉयज़ का जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो होता है ट्वेल्व हंड्रेड से फिफ्टीन हंड्रेड और जो गोल्ड का था वो होता हमारे पास नाइन फिफ्टी इस तरीके से अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं अब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब मेटल को हम मेल्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोसेस के नेम्स थे इस तरीके से जो हमारे पास गोल्ड को मेल्ट करने का तरीका वो होता है गैस एयर मिक्सचर जबकि जो बेस मेटल अलॉइस को मेल्ट करते हैं वो हम करते हैं दो तरीके से ऑक्सी ऐसे इटालिन फ्रेम्स या इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मेथड से सही है तो ये हमारे पास प्रोसेसेस के नेम्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से कौन से मेटल को हम किस तरीके से मेल्ट करें अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की जनरली को, को क्रोमियम के लिए भी और निकल क्रोमियम के लिए भी तो दोनों हमारे पास कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं रिजिड होते हैं वेरी गुड क्रोजन रेजिस्टेंस क्रोजन रेजिस्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्रोमियम की वजह से क्योंकि पैसिवेटिंग इफेक्ट करता है क्रोमियम इनकी डक्टिलिटी कम होगी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा और जो प्रोपोर्शनल लिमिट वैल्यू होती है वो कोबल्ड क्रोमियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू निकल क्रोमियम तो ये हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ कोबल्ड क्रोमियम और निकल क्रोमियम अलॉयज़ की कास्ट कोबल्ड अलायज़ फॉर रिमूवेबल अपलायंसेज अब जो हमारे पास कास्ट कोबल्ड अलॉयज़ थे वो हमने अभी देखे फिक्स रेस्टोरेशन के लिए अभी है रिमूवेबल अपलायंसेज के लिए रिमूवेबल अपलायंसेज क्या होते हैं हमारे पास जैसे कि पार्शल डेंचर फिक्स रेस्टोरेशन होता है कंप्लीट डेंचर रिमूवेबल अपलायंस हमारे पास है पार्शल डेंचर अब पार्शल डेंचर के अंदर दो कॉम्पोनेंस होते हैं एक होता है कनेक्टर और एक होता है क्लैस कनेक्टर के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए उसकी मॉडलर ऑफ प्लास्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए नॉट परमानेंटली डिफॉर्म्ड और परमानेंटली वो डिफॉर्म्ड ना हो मतलब टूटे ना तो कनेक्टर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रोमियम अलॉय जबकि पार्शियल डेंचर के अंदर जो क्लैस्प होता है क्लैस्प को बनाने के लिए जो मेटल चाहिए उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इसका कम होना चाहिए और इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए जो हम क्लैस्प के लिए मटीरियल यूज़ करते हैं मेटल वो है टाइप टाइफोर गोल्ड अलॉय ठीक है तो कास्ट पार्शल डेंचर का कनेक्टर के लिए हम क्रोमियम यूज़ करते हैं मतलब बेस मेटल और इसका क्लैस्प के लिए हम गोल्ड अलॉय यूज़ करते हैं तो ये तो हो गई दोनों चीज़ें अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गोल्ड क्लास्प है शुड बी अटैच टू डेंचर जो हमने गोल्ड का क्लास्प बनाया है ये डेंचर से अटैच होना चाहिए विया पॉलीमेरिक डेंचर बेस मटेरियल हमने डेंचर बेस मटेरियल्स पढ़े थे तो उसमें से जो एक पॉलीमेरिक डेंचर बेस मटेरियल होता है उसके थ्रू हम गोल्ड क्लास्प को अपना अटैच कर देंगे डेंचर से अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह ही प्रोसेस होता है इसके अंदर हमारे पास जिस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर होता है कि हमारे पास एक आइंस यहाँ से निकले एक आइंस वहाँ से निकले और जो सरफेस ऑक्साइड लेयर होती है उसको ये डिज़ोल्व कर देते हैं इसी तरीके से यह है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो पॉलिशिंग इज़ नॉट जनरली यूज फॉर निकल क्रोमियम अलॉयज़ जो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग का प्रोसेस है वो निकल क्रोमियम अलॉयज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता दीज प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली यूज फॉर क्राउन एंड ब्रिज वर्क क्योंकि निकल क्रोमियम अलॉयज़ को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे ब्रिज और क्राउन वर्क में इस्तेमाल कर देते हैं तो इनका मेन मकसद क्या होता है कि इनकी एक्यूरेसी ऑफ़ फ़िट या मार्जिन ऑफ क्राउन जो हैं वो मेनटेन रहे तो अगर हम इलेक्ट्रो पॉलिशिंग कर देंगे तो इनकी जो ये एक्यूरेसी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी ड्यूरिंग पॉलिशिंग प्रोसीजर्स एंड केयर इज़ रिक्वायर टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स और फिर हमें ख़याल भी रखना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए तो क्या है कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग का जो तरीका है या इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग जिसे कहते हैं ये हम यूज़ करते हैं कोबल्ड क्रोमियम अलॉइज़ में निकल क्रोमियम अलॉयज़ में हम इसको, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्राउन और ब्रिज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए मतलब ज़ाहिर से बहुत क्राउन और ब्रिज जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए तो उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम इसके अंदर इलेक्ट्रो पॉलिशिंग नहीं करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि बेस मेटल एडवाइस फॉर फिक्स डेंटल रेस्टोरेशन इसकी चार टाइप्स होती हैं टाइप वन टू थ्री एंड फोर टाइप वन लो स्ट्रेंथ टाइप टू मीडियम स्ट्रेंथ टाइप थ्री हाई स्ट्रेंथ एंड टाइप फोर इज़ एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ अब यहाँ पे इनके यूजेस लिखे हुए हैं कि टाइप वन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इनलेस के लिए टाइप टू इनले ले ऑनले एंड फुल क्राउंस, टाइप थ्री ब्रिज पॉन्टिक्स एंड इम्प्लांट सुपर स्ट्रक्चर्स इम्प्लान्ट के जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे या जो ब्रिज के पॉन्टिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का जो मेटल होगा उसको हम यूज़ करेंगे लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में एंड इम्प्लान्ट सुपर स्ट्रक्चर्स और इसको भी इम्प्लान्ड सुपर स्ट्रक्चर्स में यूज़ करेंगे अब देखो यहाँ पर वही लिखी हुई निकल कैडमियम और बेडिलियम आर डिफाइंड एज डिफाइंडस मेटल्स ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर वो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर फिर है बेस मेटल अलॉयज फॉर पोर्सिली बॉन्डिंग कौन से बेस मेटल अलॉय है जो कि पोर्सलिन बॉन्डिंग में हम यूज़ करते हैं तो वो है निकल क्रोमियम अलॉय सही है निकल क्रोमियम अलॉय मतलब फ़र्स्ट पेज पे मैंने बता दी थी इसके दो यूजेज़ हैं एक तो क्राउन ब्रिज के लिए और एक पोर्सलिन बॉन्डिंग क्राउन्स के लिए नाउ अगर हम इसकी बायो कम्पेटिबिलिटी की बात करें बेस मेटल अलॉयज़ की तो बेरिलियम इज़ अ नोन एनिमल कार्सिनोजिन मतलब हैजर्डर है बेरिलियम द फॉर the द मोस्ट the the most immediate biocompatible रिस्क concerns निकल as द रिस्क एंड द रिस्क ऑफ एलर्र्र्जिक कॉन्टेंट डर्माटाइटस हमने पढ़ा है कि हमारे पास बेरिलियम ये लिखे हुए हैं ना बेरीलीम कैडमियम और निकल तीनों हेजेडज हैं बेरिलियम को तो हम कहते ही कार्सिनोजन है और जबकि जो निकल होता है वो हमारे पास कैसा होता है कि ये एलर्जिक होता है डर्माटाइटस कॉज कर देता है तो इसकी बायो कम्पैटिबलिटी मतलब अच्छी नहीं है जबकि जो हमारे पास टाइटेनियम होता है या टाइटनियम के अलावा है जैसे कि वेनेडियम ये बहुत अच्छे होते हैं बायो कम्पेटेबल होते हैं जो कि हम ब्रेसेस वगैरह लगवा रहे होते हैं ना आर्थोडिक्स में उसमें भी जो है ज़्यादा फेवरेबल होता है या टाइटेनियम अलॉय को हम यूज़ करते हैं इम्प्लान्स के अंदर ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे मेटल्स एंड अलॉयज़ फॉर इम्प्लान्स यहाँ पर एक अलग से टॉपिक है तो इम्प्लान्ट्स हमारे पास क्या है? Alternative method होता है एक ऑल्टरनेटिव मैथड या ट्रीटमेंट होता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ डेंजर्स ब्रिजेस मिसिंग टीथ को लगाने का एक नया तरीका जिसके अंदर मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है इंस्टेड ऑफ और फिक्स्ड ब्रिजेस जिस तरीके से हम डेंचर लगाते हैं या फिक्स ब्रिजेस लगाते हैं इसी तरीके का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है इसको कहते हैं इम्प्लांट्स अब जो इम्प्लांट के अंदर हम मेटल यूज़ करेंगे वो होता है टाइटेनियम सही है वो कौन सा मेटल है टाइटेनियम इम के यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स इम प्लांट्स के तीन टाइप्स होते हैं सब ब्लेड वेंट एंडोशियस एंड ओशियो इंटीग्रेटेड ये तीन टाइप्स हैं जैसे इसको आपके नाम पता होना चाहिए और ये पता हो कि इम के लिए जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो होता है टाइटेनियम यहाँ पर अब हमारे पास ये लिखा हुआ है कि क्लीनिंग ऑफ बेस मेटल अलॉय बेस मेटल अलॉय की क्लीनिंग हम करते हैं सैंड ब्लास्टिंग से विथ अल्मीनियम डाइऑक्साइड ट्राई मोस्ट इलास्टिक जो हमारे पास वो है क्या है बेस मेटल अलॉय सबसे ज्यादा जो इलास्टिक बेस मेटल अलॉय होते तो हैं वो होते हैं निकल टाइटेनियम जिसको हम कहते हैं निटिनॉल क्या कहते हैं इसको हम निटिनॉल और ये हम यूज करते हैं निटिनॉल और ये यूज करते हैं हम इम्प्लान्स के अंदर ठीक है इसको हम यूज करें इम्प्लान्स के अंदर निकल टाइटेनियम अलॉय को कहते हैं निटिनॉल ये इम्प्लान्स के अंदर यूज हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है अच्छा फिर हमारे पास अगर हम बात करें कोबल्ड क्रोमियम के दूसरा नाम तो वो तो एलजलॉय तो जस्ट इट्स ये सारा हमारे पास टॉपिक है बेस मेटल कास्टिंग और इसका होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा बाकी फ़र्दर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और जो है सारी वीडियोस लेक्चर्स अपलोडेड है वहाँ पर थैंक यू